नमस्कार दादा, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भंदर। आज इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे है और इस मौके पर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने हमारे मेरा भंदर शहर के हजारों वृद्ध लोगों को मनोरंजन के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर उनका अच्छा मनोरंजन हो और वो दिल खोल के झूमे नाचे गाए। इसके चलते एक्टर रवि कपूर यानी जितेंद्र को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया था। ये कार्यक्रम मीरा रोड के एसके स्टोन मैदान में रखा गया था। इस दौरान हमने कई लोगों से बातचीत की, सीनियर सिटीजन्स का क्या कहना है एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को लेकर, और साथ में ही नरेंद्र मेहता की क्या मंशा है इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे, वो भी हम आपको सुनाते हैं। आज वरिष्ठ नागरिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। इस दिन से अवसर पर हम सभी ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया था कि ज्येष्ठ नागरिकों को सम्मान किया जाए, और ये हमने 70-80 के दशक के जो गाने थे इनके ज़माने के, इनके युवा जब थे तभी, तो वो चाहते थे कि इस मूड में हम जाए। तो फिर मुझे लगा कि इसको और चार चांद लगाने के लिए जितेंद्र जी अगर आ जाए, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमारे अच्छे मित्र हैं, तो वो भी आज इनके बीच में आए थे। उन्होंने कुछ बात अपनी कही, कुछ जनता की सुनी, थोड़ा बहुत उन्होंने परफॉर्म भी किया। तो मैं चाहता था कि बस वही खुशी इनके हो। ये बहुत लोग जितेंद्र के फैन थे, उस समय अपनी युवा समय में नहीं मिल पाए, तो आज उनका सपना पूरा किया और देखा आपने किस तरह से वो खुश थे। तो आज हमने बड़ी धूमधाम से अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाया। हमने केवल आज नहीं, साल में करीबन अलग अलग चार सिटी में कार्यक्रम करते। बीच में हमने शिवार गार्डन में किया था, उसके बाद जब मंदिर यहाँ पे बना तो बस भेज के उन्हें दर्शन कराए हमने। आज का कार्यक्रम हुआ, नए साल का हम करते, कुछ ना कुछ करते रहते। और सीनियर सिटीजन की सेवा करना, देखिए कोई बोलने के लिए कुछ भी कहेगा, नो डाउट कि राजनेता चाहता है कि लोग उसे सराए, लेकिन जब सीनियर सिटीजन कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर एक दुआ, एक आशीर्वाद वो भी होता है, वो यहाँ छू जाता है। तब लगता है यार अपने को और कुछ इनके लिए करना चाहिए, तो मन में अपने आप ऊर्जा निर्माण होती है कि इनके लिए कुछ ना कुछ करो। और वही भाव आज लगे, आज कितने लोगों ने जाते समय देखा कि आशीर्वाद दिए, नहीं तो बाकी कार्यक्रम भाषण खत्म, बात खत्म, लोग अपने घर, हम अपने घर एग्जाम्पल, लेकिन जब ज्येष्ठ नागरिक की बात है तो रुक रुक के उन्होंने आशीर्वाद दिए। विश्वास तो पूरा है वो कि इस शहर की जनता फिर से मुझे मौका देगी। इनका रूपांतर करने का कोई उद्देश्य नहीं था, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे पता है कि अपने आप दुनिया जीत सकते हैं। मैं नरेंद्र भाई के लिए जितना भी बोलूं ये मान के चलिए कि कम है, कि मैं इनके लिए इतना बोल सकता हूँ, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी इनके बारे में बोलते बोलते, तो इतना ही याद रखिए, इज अ वंडरफुल एंड बेहतरीन ह्यूमन बींग एंड वंडरफुल पॉलिटिशियन एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट इज माई फ्रेंड। मैंने इनके कान में अभी बोला, कोई रोक के तो दिखाए, समझ गए। इसके स्टोन में हम आए प्रोग्राम के लिए, वो प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा। सब अलग अलग कास्ट थे ना, फिर भी ऐसा लगता है सब हमारा ही परिवार है पूरा। सब बहुत आनंद आया, बहुत खुश। नरेंद्र मेहता बहुत साल से हम यहाँ रहते हैं, और चौथा साल है मेरा इधर आते हुए ये प्रोग्राम में। वो बहुत हमारा काम किया उसने, और ये साल हम उन्हें अभी जब आएगा ना उन्हीं को मत देंगे और उसको जिताएंगे कैसे भी करके। नरेंद्र मेहता भाई ने हम तो सब जितने हैं ना सबने ठाना है कि उन्हीं को ध्यान देने का है। वो दिन सब हमने उन्हीं को दिया था, पर क्या मालूम कैसा वो हो गया उसको ज्यादा। ऐसा हम लोग लेडीज लोग तो घर काम में रहते हैं, पर बच्चे लोग को लगता है कि ये बराबर नहीं हुआ। मेरा लड़का बोलता है गीता जैन से वो होता तो अच्छा होता था। हम उन्हें बहुत सालों से जानते हैं, 30 साल से तो हम यहाँ रह रहे हैं, जब से हम जानते हैं अच्छे अच्छे हैं, सब काम करते हैं। इस बार आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तो हमेशा उनको ही देते हैं। हम बीजेपी के फैन हैं हम। तो अभी क्या पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है गीता जैन का, उसे आप कैसा देखते हैं उनके कार्यकाल में? नहीं, हमें नहीं पसंद आया। क्यों पता नहीं, सब गंदगी ज्यादा थी। किस तरह की गंदगी? रोड पे, इस पे। अभी देखो कुछ ये आएंगे नए, कुछ करेंगे तो अच्छी बात है जी। नरेंद्र मेहता रहते तो क्या गंदगी नहीं रहती? इनसे थोड़ी बेटर होते, पहले से बेटर होता। मैं 5 सालों से इनको ही बोलती थी और मुझे इनमें बेटर लगा। गीता जैन में गीता जैन मुझे नहीं जमी। क्यों नहीं जमी भाई? भाई उनके थोड़ा हिसाब तो अलग था। अच्छा अच्छा, तो अभी यहाँ पर आप किस प्रोग्राम में आए थे और क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? बहुत बढ़िया है, सीनियर सिटीजनों को ये कुछ किया उन्होंने, हम लोगों को घर से निकलने का मौका दिया, वरना हम तो घर ही बैठे रहते। तो ऐसे मौके देंगे तो हम तो आएंगे और वोट भी देंगे इनको।
और बहुत बढ़िया किया है, और पहले भी पिकनिक भी लेके गए हुए हमको, तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नरेंद्र मेहता जी ने इतने बरस में इतने बड़े बड़े काम किए है, हॉस्पिटल, रास्ते, ये बहुत ही काम किए, वही हमको नेता आना मांगता है। तो ना ज्येष्ठ नागरिक का सम्मान का प्रोग्राम रखे थे नरेंद्र मेहता भाई साहब ने, और लोगों को बख्शीश दिया, सम्मान किया, जितेंद्र जी को बुलाए थे, उनके हाथों लोगों को सम्मान किया, बहुत अच्छा लगा। ये कार्यक्रम में आगे मैं ऐसे ही कार्यक्रम करते रहे, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो यह आपको लगता नहीं है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से वो चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो नरेंद्र मेहता भाई साहब ने काम करते रहते हैं इस प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक का, बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान का प्रोग्राम रखते रहते हैं। इनकी जो विधायिका है गीता जैन, इनके कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? मेरे को तो कुछ अच्छा नहीं लगा उनका कार्यक्रम, लोगों ने जो उनके ऊपर उम्मीद रखा था वो उम्मीद में खरे नहीं उतरी है। हाँ, इसलिए अब नरेंद्र मेहता फिर लोगों के दिल में बस गए हैं। क्या क्या उम्मीद है आपकी, क्या उम्मीद थी गीता जैन से? मैं तो मेरा ये उम्मीद थी कि जो अभी देखो रोड पे इतने खड्डे हैं, इतने आपको क्या बताऊं कि चलने को मुश्किल है। अभी उस दिन बच गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया होता, ऑटो पलटी हुआ होता, रात को आ रहा था इमरजेंसी में, तो इसका ध्यान कौन देगा, विधायक ही है ना। अभी नगर पालिका तो भंग है, मेरा भयंदर गांव, ये कार्यकाल विधायक का है, विधायक देखना मांगता है कि उसके 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दूर पे कितने खड्डे हैं। बंद होना चाहिए ना, कमिश्नर को बोलना चाहिए बीएमसी के, महानगर पालिका के, उनका फंड है, नहीं नगर पालिका का फंड है, वो तो लगावे वो। इसलिए पब्लिक का क्या है, आक्रोश है, हमारा कोई व्यक्तिगत किसी से वो नहीं है। आक्रोश किसके खिलाफ में? एक काम जो नहीं कर रहे उसके खिलाफ। कौन नहीं कर रहे काम? जो यहाँ के अभी प्रेजेंट विधायक है काम नहीं कर रहे, नहीं कर रही है। अभी आगामी दिनों में जो चुनाव है, उस चुनाव में क्या आप लोगों की भूमिका रहेगी, किसको आप लोग आशीर्वाद देंगे? अभी जो सही काम करेगा लोगों का उसको हम लोग देंगे। और कार्यक्रम किया, बहुत बढ़िया किया, और हम लोग को भी एक इम्प्रेस हो गया कि नहीं, जो काम अपना करता है उसको वोट देना मांगता है, और हमारे साहब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, और उसने बहुत बढ़िया काम किया है, तो मैं तो बोलता हूँ कि इनको वोट देना मांगता है, और हम 10 आदमी को वोट तैयार करेंगे, हमारी फैमिली को है, हमारे दोस्त लोग को, कि नहीं भाई इनको दो, तो ताकि हमारा हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं नरेंद्र भाई को मेरा बेटा से भी अच्छी तरह इसको मैं चाहती हूँ, और नरेंद्र भाई का दिल एकदम पवित्र है और बहुत भावुक है, सेवा भावी है, सबकी सेवा करते हैं, और जो करते हैं ना वो कहते भी नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। लोग तो कहते हैं करते नहीं है, ये करते हैं लेकिन कहते ही नहीं है, तो अच्छे अच्छे काम करते हुए, और जो वो आया है ना, तो मीरा रोड का नाम इतना ऊपर आ गया है, ये नरेंद्र मेहता ऐसे ही नहीं होता, वो कभी सोते भी नहीं है, इतना काम करते है, इसीलिए ये जो इसका नाम रोशन हो गया है, जैसे नरेंद्र मोदी है इसके पीछे नरेंद्र मेहता है। जय हिंद। आने वाले चुनाव में आप उनको आशीर्वाद दोगे? जरूर जरूर जरूर, अगर दो हाथ से देना पड़ता तो अच्छा था। मैं रिटायर टीचर हूँ, डीबी में रहता था, मेहता जी इतना अच्छा काम किया है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, और इसलिए ए टी एम बहुत जन आए हैं, और इनका विचारधारा बहुत अच्छा है, मेमोरी बहुत अच्छा है, काम भी अच्छा करते हैं, और इनको चुनके लाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके नॉलेज भी अच्छा है, मेहनत भी अच्छा है, एकदम प्रामाणिक है, ऐसे प्रामाणिक लोगों को लाना हमारे हमारी जिम्मेदारी बनता है। गीता जैन के काम को आप कैसा देखते हैं पिछले 5 सालों से? मुझे उनके ज्यादा संपर्क नहीं है। शहर में दिखाई तो देता होगा ना कि उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, ये विकास किया, वो किया, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको? मेरा इतना ध्यान में नहीं आता, वैसे मेरा भाई वही एरिया में रहता है, वो वहाँ गणपति फेस्टिवल में आती है, मगर ज्यादा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ। आज के इस कार्यक्रम में हमने जिन सीनियर सिटीजन से बात की, उनकी अगर हम बात मानते हैं तो आने वाले चुनाव में वो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को अपनी पहली पसंद मानते हैं, और एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता पर वो दोबारा विश्वास जताना चाहते हैं, ताकि हमारे शहर का विकास गति से हो, हमारा शहर साफ सुथरा रहे, और शहर में अच्छे अच्छे काम होते रहे, ऐसा इन लोगों का आशीर्वाद के तौर पे मानना है। अब देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या ये सीनियर सिटीजन एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता अगर चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते हैं तो क्या उन्हें
आशीर्वाद के तौर पर अपना मत देंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम से XMLA नरेंद्र मेहता को जरूर राजनीतिक लाभ होगा, ऐसा साफ प्रतीत होता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।